मानव जाति के इतिहास में कभी कभार ही ऐसा कोई धर्म पुरुष जन्म देता है जो कि जन कल्याण के लिए ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम कर जाता है जिससे कि उसका प्रभाव सदियों तक संसार के लोगों के जीवन पर कायम रहता है। सयाजी उबाखिन ऐसे ही धर्म पुरुष थे, संत पुरुष थे। बर्मा में जिस गुरु शिष्य परंपरा ने भारत से प्राप्त हुई भगवती विपश्यना विद्या को सदियों तक शुद्ध रूप में कायम रखा, वे उस परंपरा के जगमगा के सितारे थे। वैसे तो सारे विश्व के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा छलकती रहती थी, परंतु भारत के प्रति उनका प्रेम अनुपम था, अनोखा था। वे कहा करते थे कि मैं न जाने कितनी बार भारत में जन्मा हूं और न जाने कितने जन्मों में मैंने हिमालय की गिरी गुहाओं में ध्यान किया है। इस सदी के छठे दशक में जब बिहार में लगातार 2 वर्ष तक अकाल पड़ा तो वहां के दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों के प्रति उनके मानस में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। रंगून के विपश्यना केंद्र के धर्म कक्ष के समीप एक कुशल शिल्पी द्वारा उन्होंने हिमालय की एक प्रतिकृति बनवाई और प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर ध्यान के पश्चात इस प्रतिकृति के पास खड़े होकर देर तक मंगल मैत्री दिया करते थे। भारत के लोग दुख मुक्त हों, भारत के लोग धर्म लाभी हों, भारत के लोगों का कल्याण हो। जिस देश में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबोधि प्राप्त की, जो कि केवल उसके ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए परम कल्याण का कारण बने, अरे आज उसी देश के लोग कितने पीड़ित हैं, कितने दरिद्र हैं, कितने दुखी हैं। वहां धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? जाति पांति का, वर्ण वर्ग का, ऊंच नीच का, मत मतांतरों का, संप्रदाय संप्रदायों का कितना हिंसात्मक विग्रह विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। द्वेष दुर्भावनाओं का और अमानुषिक हत्याओं का कितना आतंक छाया हुआ है। इस पावन धरती पर विपश्यना के रूप में शुद्ध सद्धर्म की उत्पत्ति हुई और जो देश अनेक सदियों तक विश्व के दुखियारों को ये विद्या बांटता रहा, अरे आज वही देश अब इस विद्या के लाभ से सर्वथा वंचित है। इस महान विद्या का लाभ लेना तो दूर रहा, वहां के लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने विपश्यना शब्द ही भुला दिया। उस महान देश को अपनी ये पुरातन अध्यात्म विद्या पुनः प्राप्त होगी तो सारे विग्रह विद्रोह अपने आप दूर हो जाएंगे, वहां पुनः सुख शांति और समृद्धि फैलेगी। ये बार बार कहते थे कि सदियों पहले बर्मा ने भारत से यह अनमोल रत्न प्राप्त किया था, अब समय आ गया है, मुझे ये ऋण चुकाना है जिसे हमारे गुरुजनों ने इतने प्रयत्न पूर्वक संभाल कर रखा। वह अनमोल धरोहर भारत की है, भारत को लौटानी है। वे बार बार अपने करुण चित्त से यह कल्याणी भावना प्रकट किया करते थे और बहुत चाहते थे कि वे स्वयं भारत आकर यह ऋण चुकाएं, परंतु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वे भारत नहीं आ सके। लेकिन फिर भी बार बार उनके मुंह से यह धर्मवाणी निकलती थी कि अब विपश्यना का डंका बज गया है, यह शीघ्र ही भारत लौटेगी। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि अतीत काल के किसी संत की यह भविष्यवाणी
अवश्य सफलीभूत होगी, जिसमें यह कहा गया था कि तथागत के 2500 वर्षों के बाद बर्मा में यह विद्या पुनः भारत को लौटेगी। बर्मा में इतने वर्षों तक कायम रहेगी और उसके बाद भारत लौटेगी और वहां के अनेक पुण्य पारमी संपन्न समझदार लोगों द्वारा सहर्ष अपनाई जाएगी। यूं भारत का कल्याण करती हुई यह विद्या सारे विश्व में फैलेगी और बहुत बड़ा लोक कल्याण करेगी। उनकी मजबूरी थी, वे स्वयं नहीं आ सके, परंतु उन्हें अपना मंगल स्वप्न पूरा करना था। अतः भारतीय मूल के अपने धर्म पुत्र को इस विद्या में जितना कर सकते थे उतना निपुण किया, जितना पका सकते थे उतना पकाया और उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में भारत भेजा। यूं लगभग 2000 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इस महान देश में भगवती विपश्यना का पुनः आगमन हुआ। पिछले 29-30 वर्षों में जितना काम हुआ वह पर्याप्त तो नहीं ही है, परंतु संतोष इसी बात का है कि आरंभ तो हुआ और आरंभ भी अच्छा ही हुआ। हम आभारी हैं, बहुत आभारी हैं उस महान संत के, जिनकी लगन और निष्ठा के कारण भारत को अपनी ये खोई हुई अनमोल संपदा प्राप्त हुई। हम उस संत के ऋण को कैसे ऋण हो सकते हैं, उस ऋण को कैसे उतार सकते हैं? उपाय केवल यही है कि एक तो हम स्वयं इस विद्या में पके और दूसरे अधिक से अधिक लोगों को इस विद्या के संपर्क में आकर अपना कल्याण कर सकें, इस कार्य में हम उनके सहायक बन जाएं। यही तो गुरुदेव का कल्याणकारी मंतव्य था, यही उनके जीवन का मांगलिक ध्येय था, यही उन्हें श्रेय था, यही उन्हें प्रिय था। अगला वर्ष उन संत पुरुष त्यागी रूपाखिन का जन्म शताब्दी वर्ष है। उनकी पावन स्मृति में मुंबई महानगरी में एक विशाल विपश्यना स्तूप के निर्माण का शिव संकल्प किया गया है। इस निमित्त एक प्रबल पुण्यशाली विपश्य साधक के परिवार ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अत्यंत बहुमूल्य जमीन प्रदान की है, जहां ये धर्म स्तूप बनेगा और ये धर्म स्तूप विपश्यना के प्रचार प्रसार का एक विशिष्ट प्रभावशाली माध्यम बनेगा। भगवान बुद्ध के अंतिम आदेश के अनुसार इस स्तूप के विशाल धर्म कक्ष में उनके अस्थि अवशेष स्थापित किए जाएंगे, जिसके धर्म तरंगों का लाभ लेते हुए समय समय पर लगभग 10,000 विपश्यना साधक साधिकाएं सामूहिक साधना में भाग ले सकेंगे। वहीं उनके लिए एक दिवसीय शिविर भी लगते रहेंगे। कभी कभी किसी जिज्ञासु व्यक्ति द्वारा यह पूछा जाता है कि यह विशाल इमारत किसी पगोड़ा की प्रतिकृति के रूप में क्यों बनाई जाए, इसे किसी भारतीय मंदिर का रूप क्यों न दिया जाए? तो समझें ऐसा क्यों किया जा रहा है। स्तूप की संरचना भीतर से वर्तुलाकार हो तो ध्यान की तरंगें अधिक स्थायी और अधिक बलवान होती हैं, और यह धर्म स्तूप तो विपश्यना ध्यान के लिए ही बनाया जा रहा है। इसका प्रयोग किसी मंदिर के रूप में नहीं होगा, इस स्तूप में कोई मूर्ति स्थापित नहीं होगी, न कोई 1650 पूजन होगा,
न कोई भजन कीर्तन होगा, न कोई पूजन अर्चन होगा, न कोई धूप दीप जलाए जाएंगे, न कोई पत्र पुष्प नैवेद्य आदि चढ़ाए जाएंगे, न घंटे घड़ियाल बजाकर किसी की आरती उतारी जाएगी, न अन्य किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक कर्मकांड किया जाएगा। धर्म स्तूप के भीतर केवल बड़ी संख्या में साधक ध्यान करेंगे, और वह भी किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करेंगे, किसी आकृति का ध्यान नहीं करेंगे, कोई नाम जप नहीं करेंगे, कोई मंत्र जप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब फिर सांप्रदायिक हो जाएंगे। केवल विपश्यना ध्यान के लिए ही इस स्तूप का उपयोग होगा, जिसमें साधक अपने भीतर मनोविकारों के उद्गम के कारण को और उसके निवारण के उपाय को बहुत सजगतापूर्वक जानते रहने का अभ्यास करेगा। विपश्यना का ये अभ्यास सांप्रदायिक नहीं है, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी सार्वजनीनता स्वयं सिद्ध है। इसके लिए किसी संप्रदाय में दीक्षित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे आसन और प्राणायाम शरीर की कसरत है, वैसे ही विपश्यना मन की कसरत है। इसका अभ्यास किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति करे, उसे वही परिणाम मिलते हैं, वही फल प्राप्त होते हैं। स्वच्छ जीवन जीने की कला हाथ लग जाती है, जीवन सुख शांति से भर उठता है, ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है। विभिन्न संप्रदायों के लोग भारी संख्या में शिविरों में सम्मिलित होकर लाभान्वित हो रहे हैं। विपश्यना स्तूप का निर्माण किसी संप्रदाय की स्थापना के लिए कदापि नहीं हो रहा है, इसके विपरीत लोगों को भिन्न भिन्न सांप्रदायिक बंधनों से छुड़ाकर सर्वमान्य शील सदाचार का जीवन जीने के लिए और एतदर्थ चित्त को एकाग्र करने और निर्मल करने की व्यवहारिक विद्या के लिए हो रहा है। इस धर्म स्तूप का यही उद्देश्य है कि जो विपश्ची हैं वे यहां आकर विपश्यना में और अधिक पकें, जो नहीं है वे विपश्यना में शामिल होने की प्रेरणा प्राप्त करें। गुरुदेव सयाजी रूबाखिन बर्मा से भारत के लिए कोई संप्रदाय भेजने के लिए आतुर नहीं थे, बल्कि सर्वलोक हितकारिणी विपश्यना भेजने के लिए आतुर थे। अरे संप्रदाय तो यहां अनेक हैं ही, और जो हैं उनके जो परिणाम आ रहे हैं तो हमारे सामने ही हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है समता प्रदान करना, लेकिन ये जो संप्रदाय हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वे समता प्रदान करने के स्थान पर समाज में विषमता प्रदान कर रहे हैं। ऐसी हालत में अगर एक और संप्रदाय वहां चला जाए तो उस देश का क्या भला होगा, बल्कि हानि ही होगी। गुरुदेव इस बात को खूब समझते थे, सार्वजनीन शुद्ध धर्म ही भारत का और विश्व का कल्याण करेगा, यही उन्हें अपेक्षित था, और इसीलिए उनकी पावन स्मृति में उनके कल्याणकारी मंतव्य को पूरा करने के लिए विपश्यना धर्म स्तूप का निर्माण होने जा रहा है। फिर एक प्रश्न उठता है, 10,000 साधकों के लिए एक वर्तुलाकार छत के नीचे बीच में खंभों की अड़वार के बिना विशाल धर्म कक्ष का निर्माण करना तो समझ में आता है, पर इसके लिए इसके बाहरी ढांचे को यांगों के श्वेतगुण के अनुरूप बनाने में क्या अर्थ है, उसका क्या कारण है, इसे भी समझना चाहिए। धर्म की शुद्धता समझ में आने लगेगी तो यह भी समझ में आने लगेगा कि कृतज्ञता धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जिस म्यांमार देश ने हमारे भारत की यह अनमोल धर्म निधि को लगभग 2000 वर्षों तक इतनी सजगता के साथ शुद्ध रूप में कायम रखा, और अब हमारे भले के लिए
इसे लौटाया है उसका उपकार मानते हुए उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जगना नितांत आवश्यक है, यही धर्मानुकूल है। भूतकाल में जब ये विद्या पड़ोसी देशों में गई तो वहां के लोगों ने जो स्तूप बनाए वो यहां भारत के उन दिनों के स्तूपों की प्रतिकृति के रूप में बने। उसका एक प्रमुख कारण यही था कि उन देशों में बने हुए इन स्तूपों को देखकर उन देशों के लोगों के मन में सदियों तक भारत के प्रति कृतज्ञता का भाव जागता रहे, वो अब भी जागता है। ठीक इसी प्रकार बर्मा से ये विद्या हमें वापस मिली है तो यहां के लोग बर्मा के प्रसिद्ध स्तूप के अनुरूप बने हुए इस स्तूप को देखकर यहां के लोग बर्मा के प्रति अपने मन में कृतज्ञता का भाव जगाए और ये कृतज्ञता सदियों तक जागती रहे। इसी अभिप्राय से इस आकृति को स्वीकार किया गया है। भव्य स्थापत्य कला से परिमंडित ये गगनचुंबी विशाल स्तूप भारत की पुरातन अध्यात्म विद्या विपश्यना का सिर ऊंचा रखते हुए भारत के तथा विश्व के अनेक लोगों को आकर्षित करेगा, आमंत्रित करेगा और जो इस पवित्र भूमि पर आएंगे उनमें से अनेक विपश्यना से जुड़कर अपना कल्याण साध लेंगे। धर्म स्तूप के निर्माण का ये एक प्रमुख पावन उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोग विपश्यना से लाभान्वित हों, भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में सभी हिंसात्मक झगड़े फसाद दूर हो जाएं। एक बार फिर भारत में विपश्यना की पावन धर्म गंगा प्रवाहमान हो उठे और इसके प्रभाव से विपुल विश्व कल्याण हो। इस धर्म भावना से उद्वेलित उस महान गृही संत त्यागी उपासन के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करने का ये एक मंगल प्रयास है। कृतज्ञता सचमुच उत्तम मंगल है। इस ऐतिहासिक महान धर्म यज्ञ में अपनी ओर से आहुति डालते हुए पुरातन भारत की दान देने की शुद्ध चेतना भी समझ लेनी चाहिए। प्राचीन भारत में शुद्ध धर्म के क्षेत्र में दान की परंपरा अत्यंत पवित्र होती थी, सात्विक होती थी। उसी पवित्रता की पुनर्स्थापना करनी है जिससे देश की गौरव गरिमा बढ़े और लोक कल्याण भी हो। पुरातन परंपरा के अनुसार जब एक भिक्षु नगर में गोचरी के लिए निकलता था तो हाथ में भिक्षा का पात्र लिए हुए, नजर नीचे किए हुए, मौन रहकर क्रमशः एक एक गृहस्थ के घर के सामने लगभग एक एक मिनट रुकता हुआ चारिका करता था, नव भिक्षाम देही की आवाज लगाता था और न ही माई भूखा हूं बाबा रोटी दो माई रोटी दो की रट लगाता था। पुरातन भारत में कोई भिक्षु भिक्षुक नहीं होता था, भिक्षु और भिक्षुक में बहुत बड़ा अंतर। जो व्यक्ति विपश्यना द्वारा भव संसरण के दुखों का भेदन करता है वही भिक्खु कहलाता है। विंदति दुखं भिक्खु, वह केवल भीख मांगने के लिए चारिका नहीं करता बल्कि धर्म की शुद्ध परंपरा के अनुसार वह गृहस्थ को पुण्यजनक दान देने का अवसर प्रदान करने के लिए उसके घर के सामने रुकता था। मिनट भर तक घर में से बाहर कोई न निकले तो प्रसन्न चित्त से उनकी मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ जाता था। कोई बाहर आकर उसके पात्र में भोजन डाले तो उसका भी उसी प्रकार मंगल कामना करते हुए आगे निकल जाता था। और अक्सर होता यह था कि भिक्षुओं की चारिका के समय गृहस्थ स्वयं अपने अपने घर के सामने उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा किया करते थे, जैसे पड़ोसी देशों में आज तक हो रहा है।
धर्म वान गृहस्थ भोजन प्रदान कर सकने का अवसर दिए जाने के कारण भिक्षु का आभार मानता था। इस पावन प्रथा के कारण न भिक्षु के मन में भिखारी किसी हीन भावना जागती थी और न ही गृहस्थ के मन में कोई अहंकार जागता था। दान लेना भी और दान देना भी दोनों के दोनों निर्मल निष्कलंक रहते थे, धर्म से परिपूर्ण रहते थे। सद्धर्म से संबंधित सारे दान इसी शुद्धता से दिए जाने चाहिए। पहले तो मन में ये चेतना जागनी चाहिए कि जिस योजना के लिए मैं दान दे रहा हूं उसके पूर्ण होने पर आज के ही नहीं बल्कि सदियों तक भावी पीढ़ियों के हजारों लाखों लोग विपश्यना की ओर आकर्षित होंगे और इस प्रकार इस दान की जड़ें सदियों तक हरी रहेगी और फलदायी बनी रहेगी। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उस दीर्घकालीन फलदायी पुण्य का अर्जन करने का ऐसा अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हरेक प्राणी को अपने मन में इस प्रकार की भावना जगानी आवश्यक है। और जो विपश्यी हैं और वे दान दिया चाहते हैं तो उनके मन में एक और दूसरी शुभ चेतना जागनी चाहिए और वो ये कि हमारे दादा गुरु ये कल्याणकारी विद्या भारत को न भेजते अरे तो मुझे ये कैसे मिलती, मेरा कल्याण कैसे होता। अतः इस बृहद आयोजन में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो थोड़ा या बहुत सहयोग दे रहा हूं वो उस महान संत सयाजी रूबाबेन के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने का यह किंचित प्रयास मात्र है। इस उद्देश्य से कि भारत में तथा विश्व में कल्याणी विपश्यना द्वारा लोक कल्याण का पुण्य कार्य लंबे अरसे तक गतिमान रहे और सर्वलोक मंगल की उनकी धर्म कामना पूर्ण हो, इस धर्म चेतना से दिया हुआ कोई भी सहयोग थोड़ा हो या अधिक अपनी शक्ति के अनुसार सचमुच महापुण्य फलदायी होगा। भारत अपनी पुरातन गौरव गरिमा के साथ पुनः जागे, अपनी पुरातन गौरव गरिमा के साथ पुनः जागे। विपश्यना विद्या की यह मणि शिरोमणि अपने सिर पर धारण करके विश्व के जन जन की शांति अहिंसा का यह प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सारे संसार में बांटे। इसके प्रभाव से सारे विश्व का मंगल हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में विपश्यना विद्या फैले, दुखियारों के दुख दूर हो, दुख दूर हो। उन्हें शांति मिले, सुख मिले, उनका कल्याण हो, मंगल हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति। Sabd 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 Sabd